गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? आई थिंक सब अच्छे होंगे। चलिए गाइस, आज लेक्चर 5 की शुरुआत करते हैं। मैं रहा हूँ वैल्यू अपडेट की तरफ से। ठीक है, पढ़ाने से पहले मैं आपको अपना एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार कश्यादन है, करंटली CIPCC पर्सुइंग हूँ। 2018 में मैंने CSEPD पास किया था। करंटली BCOM सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस से। बेसिक एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज 2018 में हुई थी। गाइज, लेक्चर शुरुआत करने से पहले प्रधानमंत्री आपसे हमेशा हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि स्टे होम, घर पे रहिए, सभी चीज अवेलेबल हो रहे हैं। तो गाइज, परेशान ना होइए, आप घर पे बैठे रहिए। इसके लिए पूरी दुनिया आपकी हेल्प के लिए लगी हुई है, तो आप घर पे रहिए, स्टे होम का कॉन्सेप्ट अपनाइए, आराम से डिजिटल इंडिया की तरफ फॉलो करिए। बिकॉज अगर आप घर पे नहीं रहेंगे तो कोरोना इज ऑन द वे, कोरोना आपके सामने आ जाएगा। ठीक है गाइस, जब शुरुआत करते हैं, मैं बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी क्यों कराता हूँ, क्योंकि डिजिटल जमाने की शुरुआत को लेकर मैं भी अपने नॉलेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता हूँ। मैंने भी सोचा कि कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा, और ये मैंने वादा किया है कि इस साल लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में कम से कम 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन दिलाऊंगा। गाइज, आगे बढ़ने से शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर 5। लेक्चर 5 में आपको मैं बताऊंगा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशनल प्रिंसिपल क्या होते हैं। गाइज, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रूल, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये हुआ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्यों, क्या क्या पूछे गए आज तक के यूनिवर्सिटी में, मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपके सामने डिस्कस करने वाला था। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये होता है जो ऑनर होता है उससे उसका बिजनेस का जो सेपरेट एंटिटी होता है, आइदर वो पैसा अपने ड्रॉबिंग के लिए निकाले तो भी वो बिजनेस में रिकॉर्ड होना चाहिए। ये होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब, कि ये सेपरेट एंटिटी होता है, ऑनर से सीधा संपर्क होता है। ये हुआ आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है गाइस? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हम बिजनेस में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो इन द टर्म ऑफ मनी हो। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी डिफिनेशन स्क्रीन पर दिख रहा होगा गाइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस गोइंग कॉन्सेप्ट। गोइंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? कि गोइंग कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि ये गोइंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई भी बिजनेस एक बार कर लिया है तो उसको ये सोच के चलिए कि हमारा जो बिजनेस होगा वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देगा। ये हुआ गोइंग कॉन्सेप्ट। अब गाइस, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में दो तरह का होता है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है। ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का एक रूल है कि अब जो भी अकाउंट करेंगे, या तो आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपनी पूरी अकाउंटिंग करिए, या तो आप जो कैलेंडर ईयर है उसको फॉलो करिए। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बताता है गाइस। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि या तो आप कोई भी एसेट्स अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, या आप उसके बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, या प्रॉफिट लेके कर रहे हैं। ठीक है, या प्रॉफिट को लेके करें, रिकॉर्ड करें। अगर एक बार आपने कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड किया तो उसे हमेशा वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते जाना है। ये आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है गाइस। ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या होता है? ड्यूअल एस्पेक्ट में बस एक सिंपल एग्जांपल होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसमें क्या होता है, टू फोर ट्रांजेक्शन होते हैं, पहला डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताता है गाइस। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बताता है? कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, चाहे वो उसी ईयर का हो चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, लेकिन हमें जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो इसी ईयर में ट्रीट करना है। कि मींस द मैचिंग कॉन्सेप्ट दैट इंप्लाइज दैट ऑल रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर वेदर रिसीव ड्यूरिंग दैट ईयर और नॉट, चाहे वो रिसीव हुआ हो चाहे ना हो, उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे। ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बताया? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो होता है, ये काफी अच्छा होता है, काफी माना जाना कॉन्सेप्ट होता है, ये हमेशा पूछा जाता है। डिप्रिसिएशन मींस होता है गाइस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। वही ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बताता है कि आप डिप्रिसिएशन में दो मेथड पढ़े होंगे, एक होगा WDV मेथड, एक होगा SLM मेथड। मींस अगर आप जिस मेथड का फॉलो किए हैं वही मेथड ईयर बाय ईयर फॉलो होना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होता। अगर आपने एक बार जो मेथड अपना लिया तो वही फॉर्मल। ये हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बताता गाइस। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बताता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बताता है कि अपने बिजनेस में ये मत सोच के चलिए कि हम केवल सिर्फ प्रॉफिट को ही रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में। आपको हमेशा एक रूल फॉलो करना है, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, हम सभी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट बताता है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो भी मतलब, ये देखिए पहली बात मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है, ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है क्या है कि चाहे कोई भी आइटम हो, बस छोटे छोटे आइटम को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ बड़े बड़े आइटम को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है,
पूछा जाता है कि ये मॉडर्निटी कॉन्सेप्ट किसका अपवाद होता है, तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का अपवाद होता है भाई। चलिए अब ये रहा आपके कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन की बात, जो पिछले 5 से 7 सालों के पेपर में BHU, BHU, AU, LU, DU में पूछा गया था। अब गाइज आगे चलने से पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं गाइज। देखिए बीकॉम एंट्रेंस में एक बार पूछा गया था, सोल प्रॉपर्टी डिसाइडेड टू नॉट द बिजनेस बैंक अकाउंट आल्सो फॉर पर्सनल अफेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिंसिपल इज वायलेटेड, कौन सा बिजनेस अकाउंटिंग आपको सीधा बताओगे कि इंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट खुलवा रहा है और उससे क्या कर रहा है, वो पर्सनल अफेयर में निकाल रहा है तो वो वायलेट कर रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक है एसेट आर शोन इन द अकाउंट्स बट कॉस्ट एक्विजिशन लेस देन डिप्रिसिएशन ड्यू टू कॉस्ट प्रिंसिपल की वजह से वो क्या कर रहा है, अपने एसेट की वैल्यू को बुक पे कम दिखा रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड मेथड शुड बी फॉलोड सर अलाइक शुड बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मीन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए होंगे क्या करेंगे, वो ईयर बाई ईयर फॉलो करेंगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंसी। डोंट एंटीसिपेट द प्रॉफिट बट मेक द ऑब्वियस फॉर द लॉसेस, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव काम, केवल हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, ये होता है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। ये रहा आज का लेक्चर जिसमें आपने सीखा कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल क्या होता है। जनरली आपके एंट्रेंस में केवल यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया गाइज। आराम से रहिए क्योंकि कोरोना इज ऑन द वे है, घर बैठिए अच्छे से रहिए। ओके थैंक यू सो मच गाइज, आगे की जो भी अपडेट हो तो गाइज मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।